हम बात कर रहे हैं IRCTC की। आज के दिन की बात करें तो हमको इसमें 9% तक की गिरावट देखने के लिए मिली है। मार्केट की गिरावट के साथ IRCTC में भी हमको बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली है। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक ने 860 के लेवल से बाउंस बैक किया है। हमको यहाँ हायर हाई पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, तो इस बाउंस बैक के साथ स्टॉक 104 के लेवल को ब्रेकआउट कर सकता है। और हमने टारगेट को डिस्कस किया था 1040 के लेवल के बाद 1080 और 1100 तक के टारगेट को डिस्कस किया था। लेकिन आज मार्केट में गिरावट देखने के लिए मिली है और IRCTC ने अगेन 1040 के लेवल से रिजेक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है। और बड़ी गिरावट के साथ हम देख सकते हैं 980 जो इसका इमीडिएट और तगड़ा सपोर्ट था उसको भी नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता हुआ नज़र आया है। यहाँ से हमको अब IRCTC में और गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। छोटा मोटा जंप आता है तो यहाँ थोड़ा सा अवेयर रहना है फ्रेश एंट्री के लिए। पहले स्टॉक को सस्टेन होने देना है। अगर स्टॉक 920 का जो इमीडिएट सपोर्ट है उसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो हमको वैसी कंडीशन में 880 का लेवल, जहाँ से इससे पहले हमको बड़ी गिरावट के साथ रिकवरी देखने के लिए मिली थी, हम देख सकते हैं यहाँ 880 का लेवल जहाँ से हमको 1040 तक के टारगेट बताए थे वहाँ तक का फॉल देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में IRCTC में हमको बड़े टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन इस वक्त अभी एंट्री के लिए थोड़ा इंतज़ार करना है। अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो हमको और गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। पहले स्टॉक को सस्टेन होने देना है और फिर वैसे कंडीशन में स्टॉक अगर बाउंस बैक होता है तो फिर पोजिशन बनाई जा सकती है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय और सेल की सलाह नहीं है।